Assalamualaikum students, welcome back to my bright bulb academy. तो कैसे हैं आप सब लोग? A1 है, चलो good हो गया. तो question number one इसमें है, what is binomial nomenclature system and who proposed it? तो कॉर्डलिनस ने जो है ये system proposed किया था, जिसे binomial nomenclature system कहते हैं, और इस system के मुताबिक कुछ rules उसने बताए थे. सबसे पहला rule ये था कि हर organism दो नामों पे मुश्तमिल होता है. जैसे ये एक organism है, ये दो नामों पे मुश्तमिल है. एक को जीनस कहते हैं और एक को स्पेसिफिक एपिथेट. एक को जीनस और एक को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं. जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है जो उस ऑर्गेनिज्म की खासियत बताता है या उसके अंदर जो खास चीज़ है उसको एक्सप्लेन करता है. जैसा कि एसरेशिया कोलाय में जो एसरेशिया है ये बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, और जो कोलाय है ये बेसिकली इसे कोलोन कहते हैं. कोलोन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. उस कोलोन के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, यही वजह है कि इसे एसरेशिया कोलाय कहा जाता है. नंबर टू इसका रूल ये था कि ये जितने भी नाम हैं इन्हें इटैलिसाइज्ड किया जाता है, यानी इटैलिक्स फॉर्म में लिखा जाता है. अगर आप इटैलिक्स फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप उसको अंडरलाइन करते हो. नंबर थ्री पे ये कि जो जीनस है उसको कैपिटलाइज किया जाता है, बाकी का जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको लोअर केस लिखा जाता है. जैसा कि ये जीनस का ई जो है आपको नज़र आ रहा है कि कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी सारा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो लोअर केस्ड है. नंबर फोर पे कि आप इनको लैटिनाइज करते हो और उसको वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हो, विच मीन्स कि जितने भी वर्ड्स हैं ना ये लैटिन वर्ड्स से निकले हैं. एसरेशिया कोलाय हो या स्टेफेलोकोकस ऑरिस हो, ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं. और देखिए यही चीज़ वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि वो जो नाम है या तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है या तो साइंटिस्ट को खराज तहसीन पेश किया जा रहा होता है. जैसा कि जो कोलाय है ये एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है जो आपको बता रहा है कि कोलाय बेसिकली कोलोन है जहाँ पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और एसरेशिया जो है ये साइंटिस्ट को खराज तहसीन पेश करते हुए उस नाम को एसरेशिया कह रहा है. यहाँ पे दी हुई है स्टेफेलोकोकस ऑरिस. अब इसमें जो स्टेफाइलो है उसका मतलब है स्फेरिकल, और कोकाय का मतलब है सेल, और ऑरिस ऑरिस का मतलब है गोल्ड कलर. अब ये जो वर्ड है सारा ये लैटिन वर्ड है जिसको उन्होंने डिवाइड करके आपको इसके मीनिंग्स बता दिए इंग्लिश में कि बेसिकली इसका मतलब क्या है. जो आखिरी रूल है इसका वो ये है कि आप क्या करते हो, बेसिकली साइंटिफिक नेम्स को जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है यानी जो उसका जीनस है उसको मतलब कि कैपिटल फॉर्म में लिखते हो, बाकी का जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो आप उसको वैसे ही रहने देते हो. जैसा कि एसरेशिया कोलाय स्टेफेलोकोकस ऑरिस को उन्होंने ई डॉट कोलाय और एस डॉट ऑरिस की फॉर्म में लिखा है. तो ये हमसे को याद रखना है, आपने ई कोलाय जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और एस ऑरिस जो है हमारी स्किन के ऊपर पाया जाता है. उसके बाद क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियम बैक्टीरिया एंड मीडियम एंड मीडिया. बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है. मीडियम सिंगुलर होता है और मीडिया प्लूरल होता है. दैट्स इट. मीडिया जैसा कोई वर्ड नहीं है. मीडियम सिंगुलर होता है, मीडिया प्लूरल होता है.